हेलो क्रिकेट लवर दरवेश खान क्रिकेट माय लाइफ के साथ। अच्छा भाई, अब दूसरे दिन के अख्ताम पे पाकिस्तान को 53 रन की लीड मिल गई है बिलाखिर, और बड़ी अच्छी सिचुएशन हो गई और लग ऐसा रहा है शायद पाकिस्तान अभी जीत जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान से कोई अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी भी किसी को कुछ कर सकती है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है और जो स्पिनर्स ने काम कर दिया, ना सिर्फ बॉलिंग के अंदर वो बैटिंग के अंदर भी, साजिद खान ने भाई पठान के अंदर जो जान है तबाही मचा दी इसने। झूमे जो पठान वाले शाहरुख खान का गाना था ना, वो वाली गानी चल रही है इस वक्त साजिद खान की, जो उसने छक्के मारे हैं खड़े खड़े धड़न 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 विकेट पे, वो तो बेचारा 2 रन से रह गया, पर 50 भी हो जाती उसकी। पर जो नौमान ने भी, बड़े बापू ने भी, उसने भी बड़े अच्छे शॉट फाने, अच्छे रन बनाए। सबसे मेन चीज़ थी कि सऊद शकील और जो उसकी पार्टनरशिप थी दोनों की, इसकी वजह से हम लोग इतना आगे पहुँचे, और वरना एक वक्त लग रहा था शायद सब ऑल आउट हो जाएंगे उनके रन से, रन सिक्योर करने से पहले ही। लेकिन बहरहाल सिर्फ 77 रन की लीड मिल गई, यही लीड जो है फैसला गुण साबित होगी। ऑलरेडी 3 आउट हो चुके इंग्लैंड के। तो भैया अभी ये जो सारी ये चीज़ें चल रही थी ना, काफ़ी अर्से के बाद पाकिस्तान सीरीज जीतने करीब आ गया, वो भी इंग्लैंड से, वरना तो जो धुलाई चल रही थी पाकिस्तान की पिछले 4.5 साल से, 3 वो जो कहे जा रहे 3 साल और 11 8 महीने और 11 दिन हो रही है, वो तो लल्ला करके अब थोड़ा सा एक जान में जाना है टीम के अंदर। तो लग रहा है विनिंग कॉम्बिनेशन, वो जो दो गंदे अंडे गए ना, समझ रहे ना, गंदे अंडे बाबर आजम शाहीन आफरीदी हो, तो उसके बाद ही असल में सारी चीज़ें हुई हैं ये चीज़ें। और इस बार की देख लें कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो भाई नया खून नया जो पुराने बैटर ना सबको लेकर आओ अंदर, तो वही परफॉर्मेंस देंगे फिर टीम आगे जाएगी, वरना नहीं आने की आएगी टीम। अब चाहे ये सिचुएशन आपने सामने देखी, नए खिलाड़ी नया खून डाला, अभी देखें कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ये टीम इंशाल्लाह बाहर भी जाएगी तो ये भी परफॉर्म करेगी, टेस्ट के अंदर भी इंशाल्लाह आउट जाएगी, सीरीज भी आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, उसके अंदर भी। तो बहरहाल ये कहने का मकसद ये था कि भाई जो सऊद शकील ने पहले जो अच्छी सेंचुरी बनाई, ठीक है, उसके बाद फिर लग रहा था कि शायद आमिर जमाल और आगा सलमान की विकेट गई, शायद रन पाकिस्तान नहीं कर सकेगा, लेकिन सऊद शकील ने उसके बाद फिर नौमान अली के साथ जो बैटिंग की और इनिंग्स की है, तो उन्होंने जो एक रिस्पेक्टेबल टोटल दिया और टीम को एक निकाल लिया। उसके बाद फिर साजिद खान पे भाई ये तो पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ पठान, जो मैं जो पठान उसके बाद तबाही मचा रहा है। अब ये सारी सिचुएशन देखने के बाद लग रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान, क्योंकि अभी भी ये डाउट है कि पाकिस्तान ने चौथी इनिंग पाकिस्तान ने जो बैटिंग करनी है, तो ये चौथी इनिंग वैसे मुश्किल हो जाती है। अगर तो भाई 100 से 200 के अंदर भी हुए तब शायद जाके पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि वहाँ पे स्पिनर्स बशीर रेहान सभी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, 4 विकेट ले ली, तो पाकिस्तान की भी मुश्किल हो जाएगी चौथे विकेट में। तो अगर 200 से बाहर की गई कहानी तो पाकिस्तान के लिए भी मुझसे हो जाएगा ना, 100 150 200 के दरमियान ही उससे पहले आउट कर लिए कल पाकिस्तान ने साथ, तो इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान के आगे मैच होगा। तो ये मुख्तसर अहवाल था भाई, आपकी मुख्तसर कवरेज करते रहेंगे टेस्ट मैच के, हमारे चैनल को लाइक करें।